बुद्धि शरीर हृदय सबका तालमेल बढ़ाती है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये बहुत बेहतरी जो है हमारे पूरे जीवन की होती जाए, संपूर्ण जीवन के कल्याण के लिए है। ये व्यष्टि को समष्टि से जोड़ता है, पिंड को ब्रह्मांड से जोड़ता है और जीवन को बेहतर बनाने की विधा है। योग का जहाँ सामान्य अर्थ जोड़ है, वहाँ सामंजस्य यानी संतुलन भी है, और योग का अर्थ जो है अध्यात्म की यात्रा भी है। तो ये बहुअर्थी शब्द है और उन्हीं सभी अर्थों में योग हमारे लिए काम करता है। जब जीवन में योग उतर जाता है तो अनेक व्याधियों से हम छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा पाते हैं और बेहतर स्वास्थ्य के साथ हम काम करते हैं। हम किसी जिम में जा रहे हैं तो केवल शरीर का अभ्यास करते हैं, लेकिन जब हम योग करते हैं तो मन का अभ्यास भी है, हृदय का अभ्यास भी है और आत्मा के साथ कनेक्शन भी है और समष्टि के साथ कनेक्शन भी है, यानी ये सबको बेहतर करता है। योग की अनेक विधाएं हैं, ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, क्रिया योग भी है, भक्ति योग भी है, इसकी अनेक विधाएं हैं। तो ऐसे सभी विधाओं का इसका लाभ लेना चाहिए और उन सभी विधाओं से जुड़ते हुए हम अपनी ज़िंदगी में पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको परफेक्शन कहते हैं, इसको संतुलन कहते हैं। परफेक्शन किसी छोर पे नहीं है अपितु संतुलन में है। जैसे जहाज उड़ता है ना, उसका संतुलन होता है तो ही जहाज उड़ता है। अगर संतुलन नहीं हो तो जहाज नहीं उड़ सकता, उसके बैलेंसिंग थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो जहाज नीचे आ जाएगा। इसलिए शरीर में भी एक संतुलन चाहिए, हमारा शरीर भी एक संतुलित है तो ही ठीक है। कोई भी एक चीज़ बिगड़ने लगती है तो संतुलन गड़बड़ हो जाता है। योग संतुलन के लिए है, संतुलन परफेक्शन के लिए है, पूर्णता के लिए है। तो ये पूर्णता की तरफ ले जाने वाली विधा है और मुझे बहुत ही गजब की बात लगती है कि पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया। इसके लिए हम आभारी हैं जिन्होंने पहल की, भारत के प्रधानमंत्री के, और अब आम जीवन का, आम लोगों के जीवन का हिस्सा। पहले मैं देखता था कि योगी योग बहुत बड़े बड़े लोगों की बात हो गई थी, बड़ी बड़ी किताबों तक सीमित रह गया था। कोई इंदिरा जी को योग कराता था उनकी किताबें आती थी, कोई और ऐसे VIP योगियों की बातें आती थी, और अब जो है आम जन योग के साथ जुड़ रहा है संपूर्ण भारत का, और वो बहुत ही जो है इसका लाभ ले रहा है। योग एक जन आंदोलन बन गया है, तो इसलिए जन आंदोलन बनाने का श्रेय भी भारत के प्रधानमंत्री जी को है। ये योग दिवस विश्व स्तर पर स्थापित होने पर है, दुनिया के सभी भाषाओं के लोग, सभी संस्कृति के लोग योग को अपना रहे हैं और योग का आदर कर रहे हैं, योग की प्रशंसा कर रहे हैं। हम अपने जीवन का शाश्वत हिस्सा, निरंतर हिस्सा योग को बनाएं, यही आज के दिन का सबसे बड़ा संदेश है, मैसेज है।